जरूरी नहीं कि हम माइंड सेट करते हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। आप अगर सोच लेते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो देन आप कर सकते हैं। इसमें मेरा सैलरी पैकेज अच्छा बनता है, मेरी टाइमिंग कम है, तो मैं इसमें कम्फर्टेबल हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सबसे हटके कुछ करना चाहिए। ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में नहीं जाती, मैं सिर्फ मॉडल टाउन में कुछ ब्लॉक्स में जाती हूँ। बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, मेल और फीमेल्स कहती हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल होकर आपसे फूड लेती हैं। औरत के पास ये सलाहियत होनी ही चाहिए कि वो हालात के तकाजे के मुताबिक अपने वालदैन का बेटा भी बन सके और अपनी औलाद का बाप भी। मेरी मम्मा जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, मैं अपनी मम्मा को खुद कैरी करती हूँ, कहीं लेके जाना होता है, कहीं लेके आना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी लड़की से जिन्होंने तालीम हासिल करने के बाद अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और अपनी तालीम पूरी करने के बाद उन्होंने अपने वालदैन का बाजू बनने का ठान लिया और उसके बाद उन्होंने मैकडॉनल्ड में डिलीवरी का काम शुरू किया। अब इसकी क्या वजह है हम जानेंगे आयशा इलियास से। तो आयशा ये बताएं कि मैकडॉनल्ड की डिलीवरी ही क्यों आपने सोचा? सारी लड़कियां मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, एक कि सब लोग अगर एक ही काम कर रहे हैं तो क्यों मैं भी उसी में करी जाऊं, तो कुछ डिफरेंट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम माइंड सेट करते हैं कि मैं लड़की हूं, मैं ये नहीं कर सकती। आप अगर सोच लेते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो देन आप कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, कुछ डिफरेंट होगा ना मैं किसी से हटके। और दूसरी बात, इसमें मेरा सैलरी पैकेज अच्छा बनता है, मेरी टाइमिंग कम है, इसमें 6 आवर्स होते हैं, वैसे 9 आवर ड्यूटी करनी थी और 25,000 होती सैलरी। तो इसके अलावा मैं इसमें कम्फर्टेबल हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सबसे हटके कुछ करना चाहिए जिससे मैं आगे मूव कर सकूँ, मैं अपनी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज कर सकूँ, अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकूँ। और मैं अपनी मम्मा को स्पेशली जब मैंने बाइक सीखी कि हमें किसी इन ड्राइव ना करवानी पड़े, कुछ ना कहीं किसी को कहना ना पड़े कि हमें यहाँ पे ले जाओ, मैं अपनी मम्मा को खुद कैरी करती हूँ, कहीं लेके जाना होता है, कहीं लेके आना होता है। तो खुद भी अगर मैंने किसी भी सिलसिले में कहीं जाना हो तो मैं खुद जाती हूँ और अपने घर के काम भी खुद ही करती हूँ। बाहर यूरोपियन कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट है कि लेडी राइडर्स होती हैं, जब आप पाकिस्तान में कहीं पर डिलीवरी लेके जाती हैं कैसा लगता होगा? जब आप किसी को डिलीवर करती होंगी, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तब कैसा फील होता है? अजीब नहीं लगता थोड़ा? नहीं, शुरू पे लगता था फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में नहीं जाती, मैं सिर्फ मॉडल टाउन में कुछ ब्लॉक्स में जाती हूँ जो सेफ़ हैं, और वहाँ पे जाती हूँ लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। पहले मुझे भी लगता था, लोगों का भी यही माइंड सेट है कि जो लड़की है वो राइडर होगी तो अजीब गरीब किस्म के कमेंट्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, इवन मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, मेल और फीमेल्स कहती हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल होकर आपसे फूड लेती हैं और मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं, बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं जब मैं आती हूँ, तो मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। पहले मुझे भी लगता था कि ऐसा नहीं है, लोगों ने जैसे माइंड सेट किया हुआ था कि लड़कियाँ ये करेंगी, ये कमेंट्स पास होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। अच्छा, कब से आप ये होम डिलीवरी का काम करें मैकडॉनल्ड में, और आपको मैकडॉनल्ड की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिलती हैं, और उसके अलावा ये जब आप किसी को डिलीवरी देने जाती हैं तो वो देख के हैरान होते हैं कि यार लेडी राइडर आई है? जी बिल्कुल, लेडी राइडर आई है। सम टाइम कुछ कस्टमर हैं वो कहते हैं, वो पहले ही आए होते हैं, मैंने कॉल की होती है ना कि हम आ रहे हैं आपका फूड डिलीवर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें पता था कि फीमेल राइडर आ रही हैं तो हम पहले ही आ गए हैं कि आप आ रही हैं, आपको वेट ना करना पड़े। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जॉब करते हुए कितना टाइम हो? 6 मंथ हो गए हैं। तो अगर मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती तो यकीनी तौर पे कि मैं ये कंटिन्यू ना रखती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि और लड़के, मैं अपना ये मैसेज वैसे भी कन्वे करना चाहती हूँ कि औरत के पास ये सलाहियत होनी ही चाहिए, खुद क्रिएट करनी चाहिए कि वो हालात के तकाजे के मुताबिक अपने वालदैन का बेटा भी बन सके और अपनी औलाद का बाप भी। अच्छा, एक तो ये कि आपने क्वालिफिकेशन कितनी हासिल की, और दूसरा ये कि आप कितने बहन भाई? मैं मिडिल क्लास फैमिली से बेसिकली बिलोंग करती हूँ और हम लोग 8 बहन भाई हैं, तो जिसमें मेरा एक छोटा भाई है, बाकी हम बहनें हैं। तो मेरा सबसे बड़ी आप हो? नहीं, मैं छोटी हूँ, मेरी बहनें मैरिड हैं, लेकिन मैं, मेरी मम्मा जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, तो मेरे बाबा उनकी केयर करते हैं। वैसे तो बहुत अच्छी हो गई हैं, हमने उनकी फिजियोथेरेपी करवाई है और ऑफ वाले दिन मैं उनको आउटिंग पे भी लेके जाती हूँ। तो अच्छा, आपने क्वालिफिकेशन कितनी हासिल की, तालीम कितनी? बैचलर है और मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। आगे कंटिन्यू जी। उसके बाद क्या सोचा है कि जब आप ये डिलीवरी का तो आप कंटिन्यू नहीं रखेंगी, इसके बाद क्या सोचा है कि आयशा का प्लान क्या है बाद का? मेरा प्लान है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। और कौन से कंट्री जाऊँ? मैं बेसिकली तो मेरा जो फेवरेट कंट्री वो तुर्की है, लेकिन मैं अभी दुबई में जाऊँगी, वहाँ से इंशाल्लाह थोड़ा सेटल होकर मूव करूँगी। अच्छा, दुबई जाएंगी, वहाँ जाके क्या प्लान किया है कि मैंने दुबई जाना है और वहाँ जाके मैं ये बिजनेस या ये जॉब करूँ? मैं पहले रेस्टोरेंट फील्ड का, मेरे पास एक्सपीरियंस है,
अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 1 ईयर जो है ना वो रेस्टोरेंट के अंदर काम किया है और मुझे बहुत सारे प्राइजेज मिले हुए हैं। मैं रेस्टोरेंट के अंदर मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं रेस्टोरेंट फील्ड ही ज्वाइन करूँगी। हाँ, अच्छी पोस्ट पर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बाकी हमारी भी दुआ है कि हमारी जो ऐसी बहनें हैं जो अपने घर वालों के लिए मदद कर रही हैं, अपने घर वालों के लिए एक सहारा बनी है, मतलब कि इस एज की लड़कियां शर्म की वजह से बाहर नहीं निकलती कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आयशा ने इन सब बातों को हमेशा जो लोग कहते आए उनको गलत साबित किया और वो खुद राइडर के शोबे में आई कि इसमें एक तो इनकम अच्छी हो जाती है और एक उनकी जो ड्यूटी है वो टाइम कम होता है। वहाँ ये होता है कि स्टार्ट में उनको प्रॉब्लम आया, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि लोग जो थे वो बड़ा अजीब लगता था डिलीवरी देना, लेकिन उसके बाद वो जब इस शोबे से वाबस्ता रही वो यूज़ टू हो गई और आज आयशा को 6 महीने हो गए अपनी जॉब डन करते हुए। और बैचलर्स करने के बाद इनका आगे ख्वाब है कि दुबई जाएं और ये रेस्टोरेंट के शोबे से ही वाबस्ता रहें। बाकी हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आयशा के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि इनको अपने जो ख्वाब हैं जो इन्होंने देखे हुए हैं अपनी मंजिल तय करने में आसानी हो। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।